मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पेपर 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसकी संभावना है कि एग्जाम में आए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये है सहपाठी शिक्षा, पीयर ट्यूटरिंग। ये भी एक प्रकार का क्लासरूम मैनेजमेंट का ही टाइप माना जाता है। फर्क ये है कि इसमें क्या होता है, सहपाठी ही एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास मैनेजमेंट में संपूर्ण कक्षा का शिक्षण, उसके बाद हम लोग कोलैबोरेटिव टीचिंग यानी सह शिक्षा, और क्या कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे एक और तरीका है शिक्षा का, जिसको कहते हैं सहपाठी शिक्षा यानी पीयर ट्यूटरिंग। इसमें क्या होते हैं पीयर्स, मतलब साथी, जो सहपाठी होते हैं, आपके कक्षा के जो छात्र होते हैं, मित्रगण साथीगण होते हैं। तो जब वे शिक्षा देते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, तो उस तरह के सीखने की प्रक्रिया को ही कहते हैं सहपाठी शिक्षा। तो पीयर ट्यूटरिंग, इसमें मूलर और रोजर बैक इन दोनों के अनुसार सहपाठी शिक्षा की जो परिभाषा है वो ये है कि सहपाठी शिक्षा एवं एक विधिवत सहपाठी मध्यांतरित शिक्षण रणनीति। अर्थात सहपाठी शिक्षा क्या है, एक विधिवत मतलब एक सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटेजी के तौर तरीके से क्या होता है कि सहपाठी मध्यांतर यानी एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को क्या कहते हैं, शिक्षण को, ज्ञान को स्थानांतरित करते हैं। इसलिए सहपाठी मध्यांतरित क्या है, शिक्षण रणनीति है। अर्थात सहपाठी शिक्षण एक शिक्षा की एक ऐसी रणनीति मानी जाती है जिसके अंतर्गत एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को, अपने निकट के सहपाठी को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। तो इस विधि को ही कहते हैं सहपाठी शिक्षा या सहपाठी शिक्षा। इसी को ये है, इंग्लिश में है कि पीयर ट्यूटरिंग, कोटेशन को जान लीजिए, पीयर ट्यूटरिंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या है, एक तरह का टीचिंग स्ट्रेटेजी है, सेम वेयर इन स्टूडेंट्स आर पेयर टूगेदर। क्या होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं, पेयर टूगेदर, ग्रुप में जोड़े में बढ़ जाते हैं, और टू प्रैक्टिस एकेडमिक स्किल एंड मास्टर कंटेंट। क्या करते हैं, जो विषय वस्तु होते हैं, जो एकेडमिक होते हैं, शिक्षा होती है, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गेन करने में मदद करते हैं। तो सामान्य भाषा में कहा जाएगा कि सहपाठी जब एक दूसरे को शिक्षित करते हैं तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को ही कहते हैं सहपाठी शिक्षा। अब ध्यान से हम देखेंगे कि प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि गुरु क्या करते थे, जो कक्षा के जो तेज बच्चे होते थे, बालक होते थे, वो जो पहले सीख लेते थे, चीजों को ग्रहण कर लेते थे, उनको क्या किया जाता था, पाठ को बार बार रिपीट करके बाकी छात्रों को याद करवाने के लिए उनको ये टास्क दे दिया जाता। तो क्या करते थे, क्लास के जो बड़े बच्चे होते थे वो बाकी बच्चों को सेम पाठ को क्या करते थे, सिखाते रहते थे, दोहराते रहते थे और याद करवाते थे। तो आधुनिक काल में यही उसी को फिर से अपनाने की ये विधि ही है। इसमें क्या कहते हैं, सहपाठी ही दूसरे सहपाठी को, एक पीयर्स दूसरे पीयर्स को सिखाता है। तो ये भी समावेशी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रकार की शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के बालक होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा तेज होता है, कोई कमजोर होता है। इसमें क्या होता है, तेज बच्चों को पहले मौका दिया जाता है कि वो आए कक्षा में और पाठ को रिपीट करे, जिससे क्या होता है बाकी बच्चे आसानी से उसको देखकर याद करते हैं, सीखते हैं। इससे खर्च भी कम पड़ जाता है, समय का भी सदुपयोग हो जाता है, और इससे बच्चे भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं।
ना केवल सामान्य बालक को ही है बल्कि विशिष्ट बालकों को भी इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब विशिष्ट बालकों को ये मौका दिया जाता है, स्पेशली इसमें क्या होता है, बड़े कक्षा के बच्चे छोटे कक्षा के बच्चे को पढ़ाते हैं। क्लास 5-6 का बच्चा क्या करेगा, क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाएगा। तो जो क्लास 6 का जो विशिष्ट बालक भी है, वो क्लास 1 के बच्चे को जब उसे पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, इससे क्या होगा, उसके अंदर की आत्म क्षमता वो बढ़ेगी, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। और उसके अंदर यदि हीनता है या अपने आप में किसी तरह की कमी जो महसूस होती है, वो चीज चला जाएगी। इसलिए सहपाठी शिक्षा भी समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो सहपाठी शिक्षा समावेशी शिक्षा में क्या होता है, छात्रों को एक दूसरे से जोड़ता है और सबको सीखने का बराबर अवसर प्रदान करता है। तो ये रहा सहपाठी शिक्षा, उसकी परिभाषा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग, क्या लाभ है सहपाठी शिक्षा का, लाभ क्या लाभ होगा। तो जैसे पहला पॉइंट है कि सोशल एडजस्टमेंट इन स्टूडेंट या अमोंग द स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब एक साथ पढ़ते हैं तो सहपाठी शिक्षा में क्या करना है, एक दूसरे को सिखाना है। जैसे 3-4 का ग्रुप है, इसमें एक तेज बच्चा है, 2-3 दूसरे एवरेज कमजोर बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, उनको सीखने के लिए दिया जाता है, सिखाने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इनसे क्या होता है, आपस में एक तरह का एडजस्टमेंट बनता है। तो सहपाठी शिक्षा क्या करता है, सोशल एडजस्टमेंट स्टूडेंट में वो डेवलप करता है। चलिए दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट। सहपाठी शिक्षा में क्या होता है, छात्र ही एक दूसरे को शिक्षित करते हैं, इससे सबको बारी बारी से मौका मिलता है, सबके अंदर क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है, मोटिवेट होते हैं सब कोई और सबको इंकरेज किया जाता है। और पढ़ाने के चक्कर में, दूसरे को बताने के चक्कर में, इससे क्या होता है, बच्चा खुद से तैयारी करके आता है, उस लेसन को अच्छी तरह से भली भांति पढ़ता है, इससे उसमें क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, उसमें कार्य करने के प्रति इच्छा शक्ति, चाहत और क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रेरणा उसमें विकसित होती है। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ विल पावर एंड लीडरशिप क्वालिटी। सहपाठी शिक्षा में तो स्टूडेंट दूसरे को पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा, उनमें विल पावर, आत्म क्षमता, इच्छा शक्ति और साथ में लीडरशिप क्वालिटी ये डेवलप होती है। क्योंकि हम जब दूसरे को पढ़ाते हैं इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है कि चलो हम ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लास का चाहे सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, जब इन सबको पढ़ाने का मौका दिया जाता है, इससे क्या होता है, इनमें पॉजिटिव विल पावर डेवलप होता है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। इसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग इन अचीवमेंट लेवल, इसमें जो उनकी उपलब्धि क्षमता है वो बढ़ता है। क्योंकि जब हम सीखने सिखाने के दौरान हम उस चीज को जब करते हैं, एक खुद से सीखना और जब हम उस चीज को दूसरे को सिखाते हैं, तो इससे चीजें हमें और बेहतर ढंग से समझ में आती है। इससे क्या होता है, छात्रों का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि क्षमता है, उसमें क्या होती है, और वृद्धि होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्या, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सहपाठी को शिक्षित करने के दौरान बच्चों में क्या होता है, एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। यदि विशिष्ट बालक है तो उनके अंदर की हीनता, जो अपने आप की कमियां है, वो हटती है, दूर होती है, उनको भी लगता है कि नहीं, हम भी सामान्य बालक की तरह हैं, हम भी कुछ ये ऐसा नहीं है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, खास तौर पर जो विशिष्ट बालक है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होते हैं कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य ही है कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को घुल मिल जाए, वो आपस में एडजस्ट कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए, वो भी सामान्य रूप से, जैसे सामान्य बालक है उसी तरह विशिष्ट बालक भी क्या हो, सामान्य तरह से जीवन व्यतीत करे। समावेशी शिक्षा का तो यही उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है। तो सहपाठी शिक्षा उसमें क्या करती है, मदद करती है। इसलिए समावेशी शिक्षा के कक्षा शिक्षण पद्धति में, समावेशी शिक्षा में
ये सहपाठी शिक्षा को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हाँ, इसमें करना क्या होता है कि शिक्षकों को ध्यान देना पड़ता है, उन्हें बीच बीच में मॉनिटरिंग करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप कि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, क्या वो सही है, इनसे उनकी क्षमता बढ़ रही है, क्या तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन करना, मॉनिटरिंग करना, समय समय पर गाइडलाइन देना, सही ढंग से इसको संचालित करवाना, ये किसका दायित्व है? शिक्षक का। तभी सहपाठी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा और समावेशी शिक्षा में ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। तो ये रहा सहपाठी शिक्षा, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा विशेष तरह ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करती हूँ इसका एडवांटेज समझ में आया होगा, इसकी विशेषता समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।